क्या हालचाल है नवीन जी? हाँ, तो आप लोगों की सरकार बन गई? जी जी जी। अब आगे क्या होगा? आगे जो ऐसा है कि हमारे हमारे माननीय केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कार्य का अनुभव है, उनको झारखंडी अस्मिता जनता संस्कृति का अच्छी अच्छा ज्ञान है, पता है उनको कि कहाँ क्या परेशानियाँ हैं, कहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या होना चाहिए। तो चहुंमुखी विकास होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये उन्होंने 14 महीने के कार्यकाल में अपना करके भी दिखाया। ये हम लोग देख रहे थे कि जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं से भी बड़ा खुले दिल से। कार्यकर्ता बहुत खुश है हेमंत जी के आने से, बहुत उससे इंतजार भी था। और अब रांची का विकास होगा, अब जो है रांची का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, और अब जो है झारखंड जो है आगे प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा। क्योंकि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से आज शपथ ग्रहण किया है, और शपथ ग्रहण समारोह में देश के दिग्गज जो राजनेता हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए शरीफ, तो यहाँ से एक नया आगाज भी हम मानते हैं। क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में कई राज्यों में इलेक्शन होने हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है बिहार इलेक्शन, इसका इम्पैक्ट बंगाल इलेक्शन पे भी जरूर पड़ेगा। और ऐसे में ममता बनर्जी का आना मंच पे साझा करना, तो ये भी जताता है कि जो भारत में जो विपक्षी दल के जो लोग हैं उसमें एक नई जान हेमंत सोरेन ने फूकी है। और लोगों का जो मोराबादी मैदान में जिस तरह से हम लोगों ने देखा, सभी जो नेता आए थे, कई पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग एक मंच साझा उन्होंने किया। और जाहिर तौर पर विपक्षी एकता दिखाई है हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में, विपक्षी एकता का नजारा देखने को मिला है। अंजनी, अंजनी आप बने रहिए, आप नजर भी बना के रखिए, आपके पास वापस हम लौटेंगे। मगर वक्त है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, हम जब ब्रेक से लौटेंगे तो अपने सहयोगी के साथ फिर चर्चा जारी रहेगी। और तब तक उम्मीद भी कही की जा रही है कि हेमंत सोरेन बिरसा चौक पहुंच चुके होंगे, तो जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सच है।